और भाई कि आज पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये जो रंगीनियां नजर आ रही है, ये तरक्यात नजर आ रही है, ये नहीं कि आज ही के तौर पर अपना तरक्यों की वजह से बदल गई, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक मुसलसल की तदरीज की रफ्तार के ऊपर तरक्की करता है, उसकी वजह से बदल गई। क्या किसी कौम की तरक्की आप कर रही, आज उनकी तरक्कियां लेकर आप क्या नजर रह जाते हैं? वाकई आप अगर एहरामात मिस्र को देख रहे तो अकल रह जाती है कि उस जमाने में जबकि कोई ऐसी मशीनें नहीं थी, ये इतने भारी भारी पत्थरों से एक एहरामात मिस्र जो अजायबात आलम के अंदर देखते तुम्हारे और ऐसी भी जगह पर देखना अजायबात, ये दुनिया की रंगीनियां हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ये सारी आकाशीय दास्तान है। इंसान ने नसीब किया कि जमीन को पर अपने मकान बनाए, बल्कि उसकी मिट्टी के खवास को जाना, उसके आसार को समझा और उसके आसार को समझने के बाद उसने मशीनों के दफ्तर नई मिट्टी का फायदे बना। आज इंसान के आराम के लिए बेशुमार चीजें दायरे और अल्ली का आसान है, नसीब ने जो मिट्टी है उसे तो मकान बनाए, नसीब जमीन को बल्कि दूसरे सियारों में जा पाए, इंसान चांद पे जाकर कदम रख लिया, उसने मार्स पे उतर रहा है, वो दूर दराज के सियारे के जो आराम के अंदर ये अरबों करोड़ों बरस से मौजूद है, जिनकी उनके फासले होते हैं कि जिनकी रोशनी जो है वो करोड़ों साल में जमीन पर पहुंची है, उसके बारे में मालूम आप वो किस दुनिया में बता रहा है, अकल की दुनिया पर तो अकल ने भी इसकी गवाही पेश की। अब हमास का भारत करिए, अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारी फजीलत क्या है, गुलामा मुकामा और फलासफा ने इस पर बहस की और एक दिनों ने ये फैसला दिया और ये बताया कि इंसान की फजीलत की दुनिया जो है वो आप है, कि जो अकल इंसान के पास है वो मखलूकात को किसके पास है, और दावा किसी अकल अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन ये दावा ऐसा नहीं है कि जिसकी दुनिया जिस पर फजीलत की दुनिया रखी और इंसान ये कह सके कि मैं ही कायनात का जवाब हूँ, इसलिए कि हंसते हाथ अकल जो है वो दूसरी मखलूकात को दे रहा है, क्योंकि अकल का काम क्या था, अकल का काम ये है कि इस्तिफाक करना, प्रयास करना, एक हुक्म को जानना, उसके जुजियात को अलग करके नए नए कुदरात समझना और नादीदा चीज पर हुक्म लगा के और उसका पता लगा, यही तो अकल का काम है। तो इसे इंसान ही का डार्विन की शरीर डार्विन को ये बात आज का आता था कि मसलन मिसाल के तौर पर एक कुत्ते को आप डांट मार दी, अगले रोज वो वहां नहीं आए, उसने अपनी अकल से ये सोचा कि कल मैं गया था तो मेरे साथ मार बुलाई, आज क्या हुआ तो आज ही मार बुलाई, हालांकि आज ही मार बुलाई तो सिर्फ नाम तो देखो नहीं, उसे प्रयास ही तो किया लेकिन उस प्रयास की दुनिया पर तो नहीं आए, तो जानवर भी आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि हमें अकल ज्यादा है, हमें अकल मुकम्मल है, हमें अकल काबिल है, तो मिला के अगर ये कोई ये दावा भी कर दिया और कुछ साबित किया, इसलिए अकलों का दफा होता है, कोई बेहद जहीन है, कोई बेहद हकीक है, कोई औसत अधिका है, कोई कम अधिका है, यहाँ तक कि अगर कोई मजबूर है तो आप जहरी अकल से तारीफ नहीं करते, आप उसको इंसानियत से तारीफ नहीं करते, आप ये जरूर कह सकते हैं कम अकल है, लेकिन ये मैं आपसे इंसानियत से तारीफ करती तो इसमें अकल है ही ऐसा नहीं, तो अगर वो कम अकल है तो उससे कम अकल,
आप उसे तोड़ना चाहें, हालांकि वो उससे बना है।
तो अगर आप ये गए हम मजदूर की मार से बना देते तो मजदूर की मार से भी बना देते। तो टाइम क्या था इस दुनिया का आप ये दावा करते साहब हम अक्सर आपने कहा कि नहीं हमारे यहाँ तंजीम अकेले हम इज्तमाई अंदाज से करते हैं हम एक हुकूमत कायम करते हैं हुकूमत का एक सरबराह होता है और उसके मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं हमारे यहाँ कानून होते हैं और कानून के तहत हम जिंदगी गुजारते हैं हमारे एक माशरा होते हैं एक समाज होता है तो दूसरी मखलूक की जो इस अंदाज से रहती है वकील है तंजीम मिले तो हर तो वे उसका जो अमीर होता है उसको अरबी के अंदर कहते हैं यासू वो बड़ी मक्खी होती है वो जहां जहां जाएगी पूरी कौम पूरी उसके पीछे पीछे जाए जहां वो बैठ जाए तो वहां बैठ जाए वहां वो आपने देखा होगा कि जहां वहां की मक्खी का छत्ता होता है वहां बहुत सारी मक्खियां मरी हुई मिलती है वो क्या होता है क्योंकि वो सरबराह है अमीर है प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है वो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको अल्लाह ने नसीबत बताती है तो जब मक्खी किसी दूर से बैठते हैं जूस जूस के आ रही है तो उसके आने से पहले वो महसूस कर लेती है कि ये जहरीला पत्ते पर बैठ के आ रही है ये जहरीले फूल पर बैठ के आ रही है या शहद में इसलिए कि शहद का जखीरा वहाँ मौजूद है अगर उस जहरीले फूल पर बैठ के आ रही तो पूरा जखीरा जो है वो पूरी कौम खतरे में पड़ जाएगी तो उसको सरबराह की जिम्मेदारी क्या है सरबराह की जिम्मेदारी है कि उसको सजाए मौत है वो उठी है तो मेरे पास उसकी गर्दन तोड़ देती है गर्दन तोड़ के डाल देती है कुरान में भी आपको यही बताया भला कुफर के साथ के हयात की ना हो ये लड़वा एक आदमी अगर अदालत में करता है एक आदमी अगर कत्ल करता है तो उसकी सजा क्या है अदालत का सजा की सजाए मौत देती अदालत अगर सजाए मौत देती है तो कोई ये नहीं कहता कि अदालत ने कत्ल कर दिया नहीं अरे कहते हैं बिल्कुल सही किया इसलिए कि एक की मौत है हजार महफूज होता है और हजार हया की क्या हो जाए तो ज्यादा तंजीम मिलत का दावा दिया आपका खत्म हो गया एक कोई विद्या आप कौन सा दावा है कि किसी किसी की दुनिया पर भाई अकल का दावा खारिज हो गया एक का दावा खारिज हो गया अब वो दोनों की क्यों सूच रहे थे जिसके बारे में आप ये कह सकें कि इसमें हमारा कोई शरीक नहीं और हम अफसर में मौजूद पाते हैं हम अच्छे मौजूद पाते हैं हमें बता रहे वो मरतबा का है कि जो मलाइका को हासिल है न जिन्नात को हासिल है न हैवानात के पास है न दुनिया की और मखलूकात के पास है वो सिर्फ इंसान के पास है और इंसान नायब खुदा करके इस जमीन पर हुक्म करा दिया है अरे ये एहसास तो कम एहसास नहीं है बहुत बड़ा एहसास तमाम होता है वो एहसास क्या है और तारीफ को काम क्योंकि फरिश्तों को जो इन दिया गया है वो उतना है कि जितना अल्लाह ने बताया सुभान अल्लाह इन अल्लाह की ना मारी जो आपने बता दी उसको मारा लेकिन इंसान के पास जो इल्म है और इंसान की जो खसूसियत है तो ये कि वो अपना इल्म जो है दूसरों को बता देता है वो अगली नस्ल की तरबियत कर रहा है अगली नस्ल की एक वो इल्म है जो बिजदार इल्म है वहावी इल्म है एक वो है तो कसम ही नहीं तो मेहनत से हासिल करना एक ही एक मालूमा उसके उससे दस मसले मालूम होते ये इंसानियत उसने कुछ एक इल्म पर इतफाक नहीं किया फरिश्तों ने एक इल्म पर इतफाक किया इसलिए तो उनके पास तो जरूरी नहीं अब अगर नया फरिश्ता तैयार हुआ तो उसके बाद वही जरिया होगा कि वो पैर आपने कभी ये सुना कि आसमान पर एक मदरसा कायम हुआ और वहां जो फरिश्ता बैठा उस्ताद पर थे और उसके सामने शागिर्द बैठे ये फजीलत इंसान के पास है कि वो तरबियत करता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल दूसरी से तीसरी नस्ल आपने कभी सुना कि जिन्नात ने बिलाल के अंदर कोई मदरसा कायम किया
वहां वो साथ आके बैठे थी, वो भी आप ही के ताबे हैं, आपके साथ बैठे ही बात करते हैं, जो इंसान के ताबे, क्योंकि उनकी उनके फैन उनके फैन और बहन बाद इसीलिए वो कोई बात के मिला हो रहा है। इंसान की फैन पर अगल लादी यार वो उसने माशा कर एक रंग स्थिता बनाया, उसने शहर बसाया, मुल्क बसाया, पानी बनाया और एक चीज से दूसरी की दूसरी तो लेकिन जो तमाम चीजें जो कह रहे थी वो आदिवासी आदम अली सलाम को सलाम के दौर में जो इन था वो आदिवासी खत्म नहीं हो, क्योंकि हजरत आदम अली सलाम को सलाम के पूर्व 30 से इतना नाजुक उसकी सेहत को अगर तशरीह हो तो कोई मिला कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जकात दो, इबादत करो, फराज किए इंशाल्लाह, उसके अंदर जो अहकाम थे वो ये थे कि तुम खेती बाड़ी कैसे करो, तुम दुआ कैसे इस्तेमाल करो, डबरी कैसे इस्तेमाल करो, आग कैसे जलाओगे, आपके फायदे क्या हैं, तुम मकानात कैसे बनाओगे, अरे एक इतनाई दौर है तो ये सारी चीजें इंसान को जरूरत है। तो वो की सही को कहते हैं यही आपात और वो आदि बाकी को मकान आदि बना दे लोहे से आप आदि का दे दे कल उन्होंने काले बनाए थे आपने रॉकी सुना दे लेकिन बेटे के तो वही रॉक मांझा रहने की लड़की की बात की चली तो दुआ है वो ना दे। ये दूसरी बात है उनको ये मालूम है अंदर लगा के अपनी ही बात कुछ उसके अंदर बराबर भी रखे उसके साथ में तो ये मुंह है इस रात को शाम के दौर में फिल्म का हो गया बाकी ये दूसरी बात है कि नसल और नसल उसके अंदर करती है खेती बाड़ी पहले सिर्फ फावड़े से किया करते थे आप मशीन बना ली लेकिन खेती बाड़ी का असल मकसद क्या है जरात का असल मकसद क्या है पैदावार पाना चावल और दुनिया भर की सब्जी तो उसको किसने बताया कहाँ से आया आगे भाई से आप लोगों को तरफ तो तारीफ और तालीम जो है वो दरअसल हमारी फजीलत के लिए इसके अंदर कोई शुरू नहीं ना मलाइका ना अजिन्ना ना हैवानात ना मखलूकात चाहे वो बड़ी हुई है कुरान ने कहा कि ना हाउस नमाज अदा कर समावर की बड़ा बड़ा दुआ काबिल में है आज का मुमिना वहां पर आ गया कि अल्लाह ताला ने पहली की जिम्मेदारी सबसे किस को सबूत बड़ी बड़ी मखलूकात को आसमान को जमीन को आड़ों को लेकिन उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी काबिल में आई ना अपने ना उस जिम्मेदारी का नहीं सकता ये जिम्मेदारी किसने उठाई इंसान जैसे नाता जिसका वजूद इतना जरूरी है वो खड़ा हुआ कि मैं उठाऊंगा तो अल्लाह ने क्या कहा इन लोगों का जरूर दूंगा कि ये जालिम भी है और जाहिल भी है तो दिल महसूस कर रह गया इंसान कि काम तो है नहीं लौटा के कि ना जमीन पर सके ना आसमान पर सके ना पहाड़ में सफर होगा और अल्लाह ताला ने जो इनाम दिया वो दिया कि कह रहे कि जालिम भी और जाहिल भी है आगे क्या देखा जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है इसलिए कि जाहिल किसे कहते हैं जाहिल उसे कहते हैं कि जिसमें की हासिल करने की सलाहियत है जिसमें की हासिल करने की सलाहियत है उसे जाहिल कहते हैं हम भाई को जाहिल कहते हैं कि भाई जाहिल इनकी बात जाहिल इसी की इसमें सलाहियत है इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो इन हासिल कर सकता वो चाहे वो भलाई का सहारा कह जाए वो चाहे तो शैतान को भी ये छोड़ दे वो रुनुमा हो जाएगा जब जुल्म पर आएगा तो शैतान शर्मा जाएंगे दरिंदे शर्मा जाएंगे
और जब विवाद करने बनाएगा तो इसका एक सिद्ध है वो दावों के भला क्या है भला किया उसको अल्लाह ने इरादा किया कि किया भी वो चाहे तो जहाँ के बाद बुला बंदा भी बन सकता है वो चाहे तो हम आप भी ये इरादा हो सकता है और उस इरादे के लिए जब वो अल्लाह को सुनता करता है तो अल्लाह ताला को वो दायर आगे देगा इसी में नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी आमद का जो मकसद बताया वो है कि इनमा बोले तो मुअल्लिम है मैं मुअल्लिम बना कर रहे हैं इनमा बोले तो यूटर जो मकाल वाला था मैं अखलाक की दूसरी के लिए तो मालूम हुआ कि तालीम और तालीम और वाले ये किस कदर बढ़ा जाता है किस कदर बढ़ाया जा रहा है तो अल्लाह ने आपको बता दिया वो विरासत आप पे पहुंच फिर दूसरी चीज एक नफ से ही पूछा की हमें पहले ये पूछा इनने को तस्वीर सुनी कि हम ये कहें कि ये दुनियावी इल्म है और ये दुनियावी इल्म ये तस्वीर मेरी हमारी इल्म है अरे मुझे तस्वीर एक एक इकाई है जो अपना काम में तस्वीर शरीयत ने अगर उसको तस्वीर किया तो ये कहा कि एक ये इल्म नाफे है और ये इल्म नुकसान इसीलिए दादू के इल्म को भरा क्या हासिल कर लेते तो वे इसके अंदर नुकसान ज्यादा है नफा नहीं लेकिन उसके कई बोले से जिम्मेदार नहीं रख उसी दासी से जिम्मेदार नहीं रख सकते उसी दासी के लिए कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम वहां पर भी उसका सारा मौका था चालू वाला थे कर रहा था लेकिन उसको लेकिन ये देने की ये दुनिया की नहीं ले बोले नहीं ने 1,24,000 रुपया भी और कौन पैदा रख दिया कोई कौन ऐसी नहीं जिसके अंदर हानि ना आया जिसके अंदर नहीं ना आया जिसके अंदर नहीं ना आया तो आज बहुत से मैं जो बोल रहा हूँ हम भी आते चंद का जिक्र कुरान में सब का जिक्र नहीं किया चंद का जिक्र लेकिन आसार और तराई के बताते एक ये अंबिया रहे होंगे ये नबी रहे होंगे अपने कौम के अंदर तो उन्हें उनकी तालीमात क्या है वो बता देंगे ये दूसरी बात है कि वक्त के साथ साथ उसके अंदर बदलाव और गिरावट आ रही है इसलिए कोई उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौम के सामने की थी जो नहीं कर सकती मसलन नूह अलैहिस्सलाम हिंदुओं के यहाँ मानों का तसव्वुर नबी कौन और गुरु की तालीम को आप बढ़ेंगे तो गुरु भी अखलाकियात को आप देंगे उनके आप ये है कि माँ के कदमों के नीचे जब रखो माँ बाप की खिदमत करो सच बोलो झूठ ना बोलो झूठ कौन का बुरा है किसी को कदम मत करो किसी को तकलीफ मत करो ये सारी अखलाक तालीम आप ये तमाम बुराई करते हैं तो इस बात की दलील है कि किसी नबी की तालीम की बात में हम लोग सब उसे तरबिया जैसे घसार गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत लेकर नहीं आए बल्कि वो तो पुरानी शरीयत है इतना कम आए तो आप लेकिन बाद में उनके इधर उनको उठा लेने के बाद तकरीबन 40 साल के बाद एक दावेदार पैदा हो गया और उसने ये कहा साहब ईसा की तालीम में मेरे साथ और ईसा का मतलब इस बार इस वाले की के पहले उसने सारा मजहब उतर रहा लेकिन हमारा मजहब तो महफूज है तो मैं खाना ले तीन आना हम मजहब मजहब करा बैठा हूँ ना तो मैं नहीं करा देता और मैं नहीं किसी मजहब तो अल्लाह ने कुरान की अल्फाज की भी हिफाजत की मानी की भी हिफाजत की और अदाब की भी हिफाजत की और तो उसके बड़े सुकून जिसके दशहरा उसकी भी हमारे लोगों के लिए ये भी वजह है कि आज पुराने वही चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा जा रहा हो अमेरिका के अंदर पढ़ा जा रहा हो जापान में पढ़ा जा रहा हो ऑस्ट्रेलिया पढ़ा जा रहा हो एक शोले का फर्क नहीं है तातारियों ने बता को दबा दिया तो उन्होंने तमाम इनकी जखाए जो है वो दबा कर दिया समंदर का पानी एक हफ्ते तक सिया और इतना सिया कि उस जमाने में लोग रोशनी कर रहे थे एक
जो ये समझ रहे थे अंदर प्राण है उनको मिटा दिया जाता दावा भी उठा लिया कि तुम ये कहते थे कि राम का हमारे पास देखो हमने सारा दे दिया उठ कर आप कहाँ आप क्या कर रहे हो उन्होंने एक बच्चे को बुलाया कि बेटा पढ़ो उसने उसने पढ़ना शुरू किया तो आप कहाँ से मिलता उनके सीने को मजबूती के दिमाग को मजबूती कितनों को मारोगे कितनों को तंग करोगे तो भला तो मैं क्या कर रहा था कि ये है कार्य की मांग है इसे कहते हैं मांग है इसे कहते हैं काम है इसे कहते हैं कार्य जाहिर है अब हमारे सामने तो क्या हम बदलाव से जुड़े हैं हमारे सामने काफी है बदलाव का काफी है बदलाव की एक दो दो तरीके हैं एक तो हमें जो कहलाते हैं असबाब के बारे में आप तस्दीक कर रहे हैं हालात को ये जो हालात जरूरी है तो वो क्या किया तो ये दूसरे नाम का असबाब है क्या असबाब के क्या किया हुआ है कोई चीज मान लेते हैं तो नहीं है लेकिन असल निकालने के लिए वो है अमल जो इल्म आपने हासिल किया अगर उस पर अमल नहीं है तो क्या आपने उसकी मानवीय को खत्म तो अगर इल्म हो अमल ना तो इंसान बुरा हो अमल हो इल्म ना हो कभी बुरा ही ये जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी होती है और हम कि उसकी मानवीय तो भी बरकरार रखे जब इस तो काफी हमारी समस्या से खुद बहुत ज्यादा हो गया गरीब गरीब तका देते हैं कि गरीब तका देते हैं गरीब तका देते हैं कि हर बहुत आपने पूरा आज बहुत ये नहीं है कि आप तलावा को गुलामा को गुमत और मसीह और गुमत के मिलाकर मजबूत करते हैं इबारात तक मजबूत करते हैं आज का दौर जो है वो मीडिया का दौर आज तो सोशल मीडिया पर आप आज ये बात कर रहे हैं ये मिनट का हजार में से बड़ा वो होता और उसके बाद जामा तक पहुंच जाए इधर बड़ा भी कल तो होनी रही तो आपके सलमान आ जाए ये दौर तो उस दौर के अंदर आप ये समझे कि उन जल्दी तकाजों को आप दीन की शाद के लिए कैसे करें एक ये सोचना के साथ ये तो उन लोगों की लड़ाई की चीज़ें हम ही इस्तेमाल कर रहे थे मैं समझता हूँ कि ये चुनौती थे और ये फरार इसलिए कि आप उनकी लड़ाई को और भी चीज़ों की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैं इस्तेमाल करता क्या आप रेलों पर सफर नहीं कर रहे क्या आप जहाजों पर नहीं बैठे क्या ये कार्य नहीं कर रहे हैं ये दुनिया भर के लिए इसके बारे में इसकी ज़्यादा ये भी हम ही चाहेंगे जब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनको बात करके दिखा दिए वो काना वगैरह की बात है जो आपने 15 साल में उम्र के पसंद किया है आज आपका मोबाइल खराब हो जाता है आप किससे ठीक कराते हैं ये किस सवाल करते हैं आपने बड़ों को बात किया है बच्चे को बात तो ये तो जरूरत इस बात की है कि नौजवान ड्रामा जो आ रहे हैं जो इन चीजों को समझते हमारा दौर तो गुजर गया हम उसको मुकम्मल तौर पर हम निगरानी तो कर सकते हैं आपको मशवरा करें हम निगरानी करें हम मत करें क्या करना है क्या नहीं करना लेकिन करने की जिम्मेदारी जो आप ये जरी तौर पर हाजत हुई एक विशाल दिन के नहर को बदल गया है वो नहर को बदलेंगे तो दिन आपने बदारी की है मानवीय की है और जरी बता दिए पास आई यहाँ तो जबरदस्त बात है कि आपकी मुकाबला ये है ये नहीं कि सिर्फ आपने हिदायत पढ़ी आपने हदीस की किताब पढ़ी नहीं आप उस दुनिया की बर्बाद हुई आप मुस्लिम दुनिया आपके पास मसाइल मान कर मिली जा रही है काम मान कर मिली जा लेकिन क्या सिर्फ इबादत से कर सबसे बात कर क्योंकि सवाल करने वाला आजाद है
आपको जवानी मालूम ना हो फिर आप कैसे हिला तो करेंगे कि ये चीज हारे जब तक मुझे इसकी हकीकत और मांगे प्राप्त नहीं होगी तो मैं कैसे मिसाल के तौर पर बनता तैयार करूँगी कि क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का उसूल ये है कि जब आप उसको स्विप करते हैं चाहे वो आप बेगवा में करें या सऊदी अरब में करें दुबई में करें भूटान में करें जापान में करें किसी भी मुल्क में लेकिन उसका जो खास हिस्सा जो इंटरेस्ट है वो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बैठे हुए जो सौदा है उसके बाद वो पहुँच जाए